फाइनली बाइक का काम हो चुका है. ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. क्लच प्लेट चेंज किया, उसके बाद जो फाइनली बाइक का काम हो चुका है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फील्स लाइक मैं बाइक लेने जा रहा हूँ. जैसे मैं फर्स्ट टाइम बाइक लेने गया था, मतलब सरप्राइज लेने गया था, तब जो फीलिंग आ रही थी वैसे अभी थोड़ा सा लग रहा है. एक्साइटेड हूँ बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से बाइक का काम कराना था एंड फाइनली आज हो चुका है. लेट्स सी अच्छे से हुआ है कि नहीं. वेलकम बैक टू डे 60 एंड यस, बहुत तगड़ा बल्किंग फेज चल रहा था एंड अभी एक्चुअली थोड़ा सा चेंजेस है ये चैलेंज में, बिकॉज मैंने कल ही बाइक का सर्विसिंग कराया था, वो थोड़ा सा महंगा पड़ा जिसके वजह से मेरा थोड़ा शेड्यूल जो है वो यावा हो गया. बट या ऋषि गाँव गया है एंड उसकी बाइक मेरे पास है. So I'm gonna take his bike for office. Let's go for an office ride. So ये रहा अपना एरन, एकदम चकाचक हो चुका है. एक नंबर सर्विसिंग हो चुका है इसका, मतलब बहुत टाइम से इसमें काम थे जो कराने थे. सो वो फाइनली आज हो चुके हैं, मतलब कल क्या मैंने तो कल हो चुके हैं. इसको लेके जा रहा हूँ CB350 RS. बहुत ही मज़ेदार बाइक है, छोटी है लाइक एन कैफे रेसर, बट पावर एंड ये सब बहुत बढ़िया है. अब क्या ही बताऊँ बाइक के बारे में. सो एरन के बारे में बता दे, एक्चुअली बहुत टाइम से एरन का काम कराना था. लाइक ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब उसका एक्चुअली क्लच प्लेट गया था. सो उसका काम कराना था, मेरे को पता नहीं था कि क्लच प्लेट गया है. आई थॉट कि बहुत टाइम से मैंने सर्विस नहीं किया है तो ऑयल के वजह से प्रॉब्लम दे रहा होगा, ऑयल थोड़ा ख़राब हो गया रहेगा और गाढ़ा हो गया रहेगा, जिसकी वजह से मेरे को पिकअप नहीं मिल रहा था एंड वो फील नहीं आ रहा था जो एक्चुअल हिमालयन का फील है. सो आई वॉज मिसिंग आउट ऑन दैट एंड मैं उसी की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गया था, मतलब माइल्ड सा, कि आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरे को मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मतलब ऑब्सेशन नहीं है. बट वेन इट कम्स टू एरन मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, प्रॉब्ली बिकॉज हम लोग एक साथ गिरे थे एंड एक साथ रिकवर हो चुके हैं. एरन का थोड़ा सा टाइम लगा रिकवरी होने के लिए, बट पता नहीं क्यों, बट ऐसा कनेक्शन है बाइक के साथ. प्रॉब्ली फर्स्ट बाइक है इसीलिए होगा, जिसका भी फर्स्ट बाइक होगा वो रिलेट कर पाएंगे शायद से. बट या फाइनली कल मैंने पूरा सर्विसिंग कर दिया, उसमें से मैंने क्लच प्लेट चेंज किया, उसके बाद जो डैम्पिंग या फिर प्रेशर प्लेट रहता है जहाँ पे वो क्लच प्लेट बैठता है वो भी चेंज करना पड़ा क्योंकि वो भी ख़राब हो गया था. सो उसका मेजर एक्सपेंस था एंड उसके बाद फिर कॉन्सेट का भी थोड़ा काम था, बट वो कॉन्सेट का ठीक कर लिया है एंड ओवरऑल ग्रीसिंग कर लिया. सो जो हिचकिचावा जाता था और वो रैटलिंग नॉइज़ आता था वो कम हो गया है एंड परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक बेटर हो चुका है. पहले क्या होता था कि बाइक जो है वो 60 या फिर 80 के आगे जाती नहीं थी एंड सडनली अभी अगर मेरे को ओवरटेक करना है और फर्स्ट गियर पे हो या फिर सेकंड गियर पे हो तो व्हेन आई यूज़ टू ओपन द थ्रॉटल तो वो लैग करती थी, मतलब एकदम ऐसे आरपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते थे एंड बहुत वो रैटलिंग होता था, उसके बाद फिर आरपीएम कम होते थे एंड स्पीड बहुत ही धीरे धीरे जाती थी, स्पीड आती नहीं थी. 60 समझो, 60 के स्पीड पे हम क्या ओवरटेक करोगे, मतलब हाईवेज़ पे एंड ओवरऑल कहीं पे भी क्या चलाओगे. सो अभी वो ठीक हो चुका है, मैंने कल चलाया गाड़ी अच्छा खासा दाड़ा स्पीड पे, मतलब अभी उतना स्ट्रेच नहीं किया मैंने बट वर्किंग वेल एंड गुड. सो या अभी ऑफिस को जाते हैं
I think I'm gonna get late. Before that, let's just roll and yeah, continue with the video. Well, that was an hectic day, but we have reached to the fun part of the day, to ride this baby and to go to the gym. Thak gaya bhai, chalo mast ek ride karte, thoda gaane sunte, and let's enjoy. From where can I take out my bike? Shit.
वाह मज़े आ गया, सुपर्ब सुपर्ब। अभी घर जाता हूँ, थोड़ा सा खाना खाता हूँ और जिम में मिलता हूँ। सी यू गाइस इन द जिम। फ्रंट स्क्रीन भी है। सो यस गाड़ी के बारे में अपडेट बता देता हूँ। तो गाड़ी के थोड़े से अंजर पंजर डिले हो गए थे, जिसके वजह से मेरे अंजर पंजर डिले हो गए थे, बट अभी उसके अंजर पंजर मेरे भी थोड़े डिले हो गए। हाँ थोड़े से डिले हो गए, इसके जेब के अंजर पंजर डिले हो गए, मेरा तो खड्डा ही पड़ गया। तो इसके अभी अंजर पंजर थोड़े टाइट हो गए हैं, मेरे दिल के थोड़े टाइट हो गए हैं, बट जेब के थोड़े डिले हो गए हैं, माझे पण थोड़े झाले।
थोड़े से पहले वो बोला ना मेरा फाइनेंशियल इशू था, इसीलिए मैंने इसको भी थोड़ा बोला कि इन्वॉल्व किया मेरे को आपने लव मैटर में। लव मैटर में यस ये हम दो नहीं है अब हम तीनों है इसमें थोड़ा ऑयल का हिस्सा मेरा है ऑयल का हाँ वही ऑयल का हिस्सा इसका है एंड यस वो था बाइक का अपडेट। अब मेरा अपडेट बताता हूँ सो 105 डेज का अपडेट बता देता हूँ। अभी है डे 6 अभी करंटली मैं वेट कर रहा हूँ अराउंड 77 kgs। बट वो अभी कैसा है कि जब मैंने 77 पे स्टार्ट किया था डे 1 पे तो वो बहुत फैट था और बहुत सारा यू नो फैट डिपॉजिट था बेसिकली एंड वो 77 ही था वो 75 था। अभी थोड़ा 2 kg का गेन हो चुका है, धीरे धीरे हो चुका है। आई थिंक मेरे थोड़े से डाइट के वजह से इधर उधर हो चुका है एंड इनिशियली मैं अभी 12 या फिर 15 मई के बाद अपना कट सीरीज चालू करने वाला था बट बिकॉज ऑफ इशू फाइनेंशियल इशू तो मैं थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ। सो प्रोबेबली जून 5 या फिर जून में हम कट चालू करेंगे। तब तक अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी जो मैं 3300 कैलोरीज खाता हूँ उसकी जगह पे 3000 कैलोरीज खाऊंगा बट वो क्लीन खाने की ट्राई करूंगा, कभी कभार बाहर का खाऊंगा। सो अभी फ़िलहाल ये और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बाहर का खाना हो सकता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वो जोन में है फिलहाल। सो मैं आ लो आ गया ना तो ये आ गया तो मैं भी आ जाऊंगा क्योंकि ये बोलते हैं ना कि हाँ चलो खाने जाते हैं तो मेरे फील आज चलो, चलो। हाँ वो अच्छा प्रैक्टिस मैच नंतर थोड़ा थोड़ा जसं होतं आज थोडं आराम करू आराम करू मॅच झाली थोडं दिवस पास झाले की मग हा चला परत लागायचं। हां तो अभी वो भी हम फिर से ट्रैक पे लाएंगे। अब मेरे को थोड़ा सा ओट्स वगैरह लेना है सो वो लेना है स्टॉक अप करना है थोड़ा बहुत एंड देन वील स्टार्ट विद अनदर फेज जो कि है मेंटेनेंस और यू कैन से रिकम्पोजिशन। सो भारी भारी शब्द यूज कर रहे हैं। रिकम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि वही वेट बट फैट मसल ज्यादा फैट कम हाँ मसल डेवलप होता है फैट के जगह पे। सो वील ट्राई टू डू दैट हो पाया तो अच्छा है वरना जून अपना कट सीरीज करेंगे ही 24 दिन का कट सीरीज होगा भाई फक्त हाँ कमी 24 दिन भी नहीं बोल सकता ना क्योंकि सैलरी आने के बाद फिर थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकता है। हाँ सैलरी आती है 5 तारीख को देखते अभी कैसे क्या है। लाइट वेट अभी डे 60 है सो फार सो गुड। वर्कआउट जो है वो अच्छे से जा रहे हैं। बीच में 1-2 दिन हम लोगों ने गैप लिया वो बोला ना मैं थोड़ा वो फेज में थे इसीलिए मैं तो मैच होते हैं जेन्यूनली वही जेन्यून फेज थे ऐसे नहीं कि मनाया इसीलिए कर दिया एंड यस सो बस ये था अपडेट। मैंने जैसे बोला कि मैं ये बाइक रेडी कर रहा हूँ एक छोटे से राइड के लिए सो प्रोबेबली उसका वीडियो ये वीडियो के बाद आएगा। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एज वेल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। 75% लोग सब्सक्राइब नहीं है मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स सो सब्र कराइब करो नाटी नाटी मम्मी सब्र कराइब करो। टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पैसे ना और लड़के हमें जिम के मुंडे बच्चे हमें जिम के हराए बच्चे जिनको लेके लड़कियाँ भाग जाती है पता नहीं जिम लड़कियाँ